नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल, आप सभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कोप टारगेट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो कि थर्ड होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले डिस्कस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने खैर दो बार डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि उसमें हमारे ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो ये रहा हमारा एंगल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ठीक है। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हाँ मैं पूरा क्लास 9th का जो सिलेबस है उसको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर है, ओ ये वाला छोटा है, सॉरी, ठीक है बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। 35 डिग्री इधर हो गया, 53 डिग्री इधर हो गया, ठीक। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी 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 डी ई, ठीक ये हमारा नेमिंग हो गया। और सी ये वाला डी है, सॉरी ए बी सी डी ई, ठीक है ये हमारा कुछ फिगर बन जाएगा इस प्रकार से। अब देखते हैं क्या होगा, मतलब क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि गिवन लिख सकते हैं। पहले गिवन लिखते हैं तो हमको पता चलता है कि ए बी पैरेलल टू डी ई है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक। और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंड एंगल डी सी डी सी ई को हमको फाइंड करना है क्या होगा, यानी कि ये हमारा फाइंड सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे इसने किया है और क्या मतलब कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्लियर आ रहा है ना, ठीक है क्लियर आ रहा है। तो देखिए ए बी जो पैरेलल है डी ई के, उसमें हमारे ये 35 डिग्री है, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है अल्टरनेट एंगल से। और डी सी ई कहाँ पर, डी सी ई ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। इन दोनों का एंगल सम प्रॉपर्टी करके इसका हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हेयर लिख देंगे, वी नो दैट, आप ये लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी ई, या आप लिख सकते हैं गिवन, ठीक है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, और ये हो जाएगा हमारा तो एंगल एंगल ए, ये क्या है बी है ना, हाँ तो ए सॉरी बी ए सी प्लस अरे बी इज बी ए सी इज इक्वल टू सी ई बी सी ई डी सी ई डी, ये हमारा हो गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ये हमारा अल्टरनेट एंगल एंगल हो गया। अब यानी कि एंगल बी ए सी हमारा 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो एंगल सी ई टी भी हमारा 35 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आप डाल सकते हैं, नहीं आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करना है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ई सी या सी डी ई बोल दे कुछ भी बोल सकते हैं, डी सी एंगल एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है किसका किसकी वजह से हो रहा है, ये हमको एंगल ए एन जी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, ठीक है प्रॉपर्टी, ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, देखिए एंगल डी हमारा 53 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी हमारा कितना हुआ है, एंगल सी हमको फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल ई जो है हमारा कितना है 35 डिग्री, तो 180 डिग्री, एंगल सी हमारा इधर निकल जाएगा कितना
180 डिग्री माइनस 538 हो गया, 538 हो गया 88 डिग्री, यानी कि हमारा अगर 92 डिग्री के अप्रॉक्स एंगल सी, और एंगल सी ही हमारा है एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई हमारा है 92 डिग्री, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेते हैं, पीछे से हरी झंडी मिल जाए, ठीक है 92 डिग्री। ठीक है, तो ये वीडियो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।